गुड मॉर्निंग स्मार्ट वालो, मेरा नाम राघव है, मैं बिलोंग करती हूँ नैनी से। बताना चाहूंगी अपने लाइफ के बारे में। जब इस सिस्टम को नॉलेज मिला था तो जिंदगी में कभी ये नहीं लगा कि इतना अच्छा कपड़ा पहन के लोग यहाँ पे काम करते, तो मतलब लगा था जिंदगी का ड्रीम था। स्मार्ट नहीं मिला था तो जिंदगी में कसम कस चलती थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा मौका मिले जिससे मैं भी एक अच्छा कपड़ा पहन सकूं, एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। स्मार्ट मिला तो बेटर बेटर डिसीजन लिया। बस प्रॉब्लम एक ही चीज थी, वो है मनी की बात। तो मैं एडमिशन मेरा हुआ नहीं था, क्या कहते हैं, जब नॉलेज लेके गए घर तो जो फ्रेंड मेरी मुझे नॉलेज दिलाई थी वो बोली कि घर आना। और मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी अपने घर बुलाने के लिए सीनियर को, बिकॉज ऑफ ये नहीं कि मेरा घर अच्छा, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे घर में चेयर नहीं थी। और मैं सोची कि इतने बड़े सीनियर है कहाँ मैं बैठाऊंगी मेरे घर पे, हम लोग तो खुद ही जमीन पे सोते हैं। ये जब मैं इस्तेमाल नहीं करती थी तब की बात बता रही हूँ। तो वो होते नहीं इस्तेमाल सीनियर जितने टाइप के ड्यूटी उठा रहे तो गुस्से की फैमिली चाहे बैठनी जगह हो या ना हो खड़े होकर ड्यूटी उठाएंगे, बट ड्यूटी उठाएंगे। तो सर का आना हुआ और शिकार सर आए मेरे घर जमीन पे बैठ के। मेरे पापा एक दिन नहीं थे एडमिशन के लिए और मेरे घर पापा मेरे मुंह से ही बोले कि पैसा नहीं है। और ये सच बात है कि मेरे घर में पैसा नहीं था बट 3000 रुपए था। और पापा तब भी बोले थे हमारे घर में 1 रुपए नहीं। मैंने सर के सामने ही बोला कि इनके पास पैसा है 3000 रुपए, ये देना नहीं चाहते। ये गट्स था तभी मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अपने पापा के सामने डरते नहीं है। वो अगर उनके फादर बोलते कि पैसा नहीं तो वो मान जाते, लेकिन मैं मानी नहीं क्योंकि मुझे लगा अगर अभी चुप रहेगा तो जिंदगी में मैं चुप रह जाऊंगी। तो वो बात बोला, पापा बोले 3000, सर ने बोला 3000 दीजिए। और शिकार सर ने पापा को एक भरोसा दिलाया कि आप लड़कियों को लेके क्या रहा तो मेरी बहन की तरह है और हमेशा इसको सपोर्ट करूंगा और एक अच्छी लड़की लेके जाऊंगा। पापा शिकार सर पे इतना ज्यादा भरोसा करते, शायद मेरे फैमिली में किसी लड़की या लड़के भी नहीं करते, लेकिन शिकार सर को बहुत भरोसा करते हैं। मैं 1 बजे रात के 2 बजे कहीं मेरा ट्रिप है कुछ भी है तो शिकार सर के साथ वो भेजते हैं बिना आग भर करके। तो जब भी मेरा स्टार्ट हुआ काम करने में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी। मैं जब स्मार्ट हूँ मुझे नॉलेज मिला तो मैं 700 रुपए में पर मंथ 700 रुपए पढ़ाती थी, उसमें पर मंथ में 700 रुपए पाती थी। तो ऐसे जिंदगी चल रही थी क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे एक चीज सिखाया जाता है, जितनी बड़ी डिग्री हो उतना ज्यादा पैसा। और मेरा सारे सपने खत्म हो चुके क्योंकि मैं इंटर क्वालिफाई हूँ। हम लोग 4 बहन 1 भाई है और मेरे पापा का सोच ये है कि 4 लड़कियां सिर्फ उन्हें इंटर तक पढ़ा के हम शादी करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है, होम वेरिफिकेशन जाते थे यही बोलते अगर हम ज्यादा पढ़ा देंगे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, इतना पढ़ाएगा दहेज कहाँ से देगी, ये सारी सोच होती है लोगों के अंदर। तो मैं यहाँ पे एडमिशन के काम करने स्टार्ट की और काम करने बहुत अच्छे से काम करने स्टार्ट की। एक चीज शुरू से था कि सीनियर को मैं जवाब नहीं देती थी। सबसे शिकार सर अगर बोलते थे कि आना टीम मीटिंग में तो मैं कैसे भी करके टीम मीटिंग पहुंचती थी। सर एक ट्रेनिंग में पहले सर ने बोला था कि आपको अगर स्मार्ट में सक्सेस करना तो कंटिन्यू 1 ईयर आपको ट्रेनिंग लेना, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करिएगा। तो वो चीज मेरे जहन में बस रुकी थी कि कुछ भी हो या ना हो बट 1 साल ट्रेनिंग लेके देखती हूँ कैसे होता है कि नहीं होता, क्योंकि सीनियर बोल रहा कि 1 साल ट्रेनिंग लो होता है। तो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और 3 से 4 महीने के अंदर मैंने अपनी लाइफ को वो ड्रीम पूरा किया। क्यों बोल रहे क्योंकि मेरे पास 1 मोबाइल नहीं था, एक की पैड मोबाइल था जो मेरे फादर ने 500 रुपए का मुझे सेकेंड हैंड दिलाया था। तो यहाँ से मैंने पहला अचीवमेंट किया 7000 का मोबाइल, जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि 7000 का मैं मोबाइल ले चुकी हूँ। क्योंकि स्कूल में पढ़ा के भी ले सकती थी बट क्या नहीं था, कोई सोच मुझे नहीं दिया कि तुम एक मोबाइल भी ले सकती, लेकिन सिस्टर ने सोच दिया कि तुम एक एंड्रॉइड मोबाइल ले सकते। पहली लड़की जो मेरे घर में फोन आया तो मैंने खरीदा एंड्रॉइड। तो ये हुआ स्मार्ट वालों की वजह से, पहला फोन मेरे घर में टच आया तो मेरे स्मार्ट की वजह से और सीनियर की वजह से। फिर काम करने शहर के बहुत सारे लोग स्कूटी लेते रहे मेरे आंखों के सामने से। क्या हुआ कि बीच में थोड़ा मेरा टोन क्या थोड़ा बहुत मैं लाउडली मतलब कि ऐसा बोलते कि लोगों को चुभ जाती है मेरी आवाज। पहले चुभ जाती थी, अभी तो बहुत ठीक किया और भी अच्छा करूंगी तो फीडबैक पे जाती थी तो ऐसा बोल देती थी। सामने वाला डीडी देने वाला होता था नहीं देता था, पूरा था मतलब एटीट्यूड में रहता था कि स्मार्ट उल्लू कर किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो ये चीजें मैं बाहर भी करती थी प्लस अपने टीम में भी करती थी, जिसकी वजह से मैं आज जिस लेवल पे हूँ ये मैं 1.5 साल पहले होती। बट अपने ही टोन की वजह से मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, मैं खुद मानती हूँ। क्योंकि बिजनेस मेरे जूनियर मेरे सीनियर को जब नहीं होता वो सिर्फ गाइड करते सपोर्ट करते, बट मेरी टोन की वजह से बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां मेरे टीम में
जो सलाम मेरे साथ काम करते हैं और मेरे टीम में अचीवर होते हैं, बट मेरे ही टोन की वजह से वो आज सिस्टम से आउट हो गए। क्योंकि सिस्टम में लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो यहाँ पे इज्जत पाते हैं, एक रिश्ता बनता है जिसकी वजह से वो बिजनेस करते हैं। उन्हें प्यार मोहब्बत वो हम लोग यहाँ के सीनियर या हम लोग देते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे सगे से बढ़ के हमारा सीनियर है। तो ये चीजें मैंने धीरे धीरे सिखा, सर से सीखा, उनसे सीखा, बड़े भाई से सीखा, संगीता से सीखा। कहते हैं क्योंकि मैंने संगीता को कभी गुस्सा करते नहीं देखा, मतलब कुछ भी हो जाए बहुत उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि हाँ इनकी तरह मुझे बनना, मैम की तरह उनकी आवाज हर चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैं बहुत सारे सीनियर को देखूँ, जैसे धर्मेंद्र भैया है, श्रीकांत सर है, अजय भैया है, कई भाई है और भी सीनियर है, उनके अंदर क्या ठहराव है। ठहराव मतलब होता कि वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। और हम क्या, मैं लड़की हूँ, मेरे टीम में ज्यादातर लड़कियां को ही टीम, हम लोग को सोचते नहीं, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते अपने टीम को या अदर किसी को। तो कभी वो सोच में देखते कि अगर ये बार मुझे श्रीकांत सर बोले तो मुझे कैसा फील होता, तो मुझे खुद गिल्टी फील होता मैंने ये गलत बात बोला। तो ये चीजें मैं खुद बहुत सुधारी हूँ और आगे भी बहुत अच्छा इसको सही करूँगी, जिसकी वजह से मेरा टीम बहुत ग्रोथ करेगा। ये पापा को मेरा बहन का एडमिशन बहुत लेट में हुआ, ये मैं मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरा पहला स्कूटी आने पर मेरे पापा को भरोसा हो कि बच्चा कुछ होता है, तब तक उन्हें भरोसा नहीं था। तो मेरी बहन का सोचिए, मुझे लगता था मेरे घर में पैसा नहीं, लेकिन गलत था। जब मेरा स्कूटर है, एक हफ्ते के पापा गांव जाकर पैसा मुझे निकाल के दिए, चलो अच्छा बहन गाड़ी डाल दो। तो पैसा था, मुझे पता नहीं था, बहुत लोगों को लगता घर में पैसा, ऐसा नहीं है, पैसा रहता है, हमें पता नहीं था घर में पैसा है। तो मेरी बहन का एडमिशन हुआ और इस सेक्शन में मेरा सवाल नहीं है, मेरे जितना सीनियर मेरे टीम का उससे कई ज्यादा सपोर्ट मेरे घर का है। घर को क्यों बोलूंगी, क्योंकि मेरे फादर हमेशा खिलाफ है मेरे, इस सिस्टम अभी भी वो खिलाफ रहते हैं। मैंने बताया मेरी चार बहनों, जो मेरी बहन शेयर करे वो सब मेरी छोटी बहन हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ। आप सोचिए कि एक मैं स्मार्ट लू, मेरे लिए पैसा नहीं, पैसा मतलब समझिए कोई सिंगर है तो वो गाना इसलिए नहीं गाता कि उसको पैसा मिले, वो गाना इसलिए गाता है कि उसको पैसा मिले, वो पैसा पाए या ना पाए कि वो गाना गाता है। कोई डांसर है तो डांस इसलिए नहीं करता उसको पैसा मिले, उसका पैसा नहीं, वो डांस करेगा पैसा मिले या ना मिले। सेम स्मार्ट लू मेरे लिए आज पैसा नहीं, 150-200 पैसे के लिए काम कर रही थी सर, मुझे नॉलेज नहीं था, नगर लेकिन सुनीता राणा था शांतनु सर, बहुत सारे लीडर को मैंने देखा, कलकत्ता गई, बहुत सारे अपने जैसे उम्र की लड़कियों को देखा जो कार चिपा थाईलैंड गई। तो लगा कि अगर ये कर सकती मैं तो, तब मेरा विजन क्लियर हो कि मुझे स्मार्ट लू क्यों करना है, पैसे के लिए आने वाले अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए और अपने जनरेशन को चेंज करने के लिए। तो ये सारा मेरी बहन का शादी हुआ तो मेरे घर में बहुत ज्यादा टोन हुआ कि क्या है, क्योंकि रिश्तेदारियों में तो कुछ कमी है, कुछ लफड़ा ऐसा वैसा। मैंने सब कुछ बता दिया क्योंकि मैं मस्त रहने वाली लड़की हूँ, कुत्ते भौंकते हैं और उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मैं रिश्तेदारों को कुछ ज्यादा अहमियत देती नहीं क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में सक्सेस के लिए उन्होंने 1% नहीं दिया, लेकिन मेरे श्रीकांत सर, फेरी भाई, संगीता, कृति मैम, शुभम है, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर मोमेंट में मुझे सपोर्ट किया कि राधा तुम कर सकती हो, तो वो मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों से बढ़ के हैं। तो मेरे और टोटल सीनियर बीच रहे तो नचे बीच रहे कि पापा मेरे हम लोगों से खा
प्राइज मार लू, सिर्फ काम ही करने आयो, यहाँ पे आयो और मेरे फैमिली का एक सबसे बड़ा ड्रीम है जो मेरे लिए है, मेरे पूरे फैमिली के, मेरी बहन, मेरे भाई, मम्मी पापा, एक मेरा खुद का घर नहीं है जिसके लिए अनुग्रह में रहकर कभी ये लगता है कि काली होगा कहाँ जाएंगे क्या रेट पे तो रहेंगे, लेकिन खुद का घर नहीं और मेरे पूछे पतंग मेरे पापा कभी नहीं खरीद पाएंगे इलाहाबाद के अंदर। लेकिन इस सिस्टम से मैंने देखा फैसलों को करने तुम्हें कितनी उन्हें जमी लिया, मैं भरोसा हुआ कि अगर ये लोग करते तो राधा वर्मा भी कर सकते। 2028 में अपने मम्मी पापा को एक अच्छे फ्लैट में एंट्री दूंगी, मेरा खुद का कमिटमेंट है। कोई भी एक लड़का या लड़की नहीं, एक बंदा जिसको आप फर्स्ट हैंड निकालो, पहली लड़की को फर्स्ट हैंड निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, नॉट वेरी मेरी क्वालिटी नहीं, लेकिन सिकंदर का कारण एक अंदर से बनाया, संगीता का कार्य का भाई मैं का कार्य लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने कहा लिया। अब मेरा ड्रीम है कि मुझे 2028 तक किसी भी हाल में अपने मम्मी पापा को एक घर देना, ताकि वो बोल पाए कि लड़कियाँ सिर्फ लड़के नहीं घर दे सकते, लड़कियाँ भी देते बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। तो ये सब मेरा फिर लेवल है जिससे मुझे कम्प्लीट करना किसी लगे, क्योंकि जुनून है उस पिन के, क्योंकि वो पिन एक बहुत बड़ा पिन है मेरा लगते हाँ, मुझे वो पिन पाना वो है प्लेटिनम पिन। 30 मार्च 2023-24 को मैं एनी हो प्लेटिनम पिन कम्प्लीट करूंगी, मतलब करूंगी, ये मेरा खुद से कमिटमेंट होगी। इलाहाबाद से मेरे लिए जब जिस टाइम मैंने अभी उस टाइम जब कोई लड़की बनी नहीं प्लेटिनम, इसी हॉल में कमिटमेंट के सबसे पहले कोई प्लेटिनम बनूंगी तो राधा वर्मा ही बनेगी प्लेटिनम। जिनके सपोर्ट और मतलब साथ के साथ मैं यहाँ तक आई हूँ, जैसे मोनी यादव, वो लड़की एक ऐसी डेडिकेटेड वेटिंग की लड़की है जिसे देख के लगता है हाँ यार अगर ये लड़की के अंदर, क्योंकि वो लड़की कई साल से मतलब 2-3 साल से अपनी फैमिली को छोड़ के काम करती थी स्मार्ट वैल्यू में और पूरा पैसन के साथ करती है। अगर बात करूँ तो मैं मानती हूँ मुझसे ज्यादा पैसन उस लड़की के अंदर, क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ के काम करती है और आज भी उसकी मम्मी साथ एडमिट है कुछ उनको प्रॉब्लम, लेकिन वो लड़की प्रोग्राम में है और डेफिनेटली उसको इस साल का गोल अचीवर बनाना है, मतलब बनाना है, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। मेरे टीम में है मनीषा सोनकर, जो लड़की पूरी पढ़ाई कर रही थी, उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसे भी एनी हो इस साल का मुझे सिल्वर चेयर बनाना है। साहिद है, जो लड़की घर गवर्नमेंट जॉब के लोग मरते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले मुझे करना, उस लड़की घर गवर्नमेंट जॉब का होता नहीं कि हाँ उसको गवर्नमेंट कॉल लेटर आया है, वो लड़की उस कॉल लेटर को लात मार के आज वो पुलिस मालूम करती है। तो साहिद को किसी का भी सबका सिल्वर बनाना है। सुदेवी है, एज ए रेडी की सुशीला है, नंदिनी है, कोमल है, चांदी दीदी है, रंजीत है, प्रिंसी है, सत्या है, ऐसे बहुत सारे मैं नाम लूंगी बहुत टाइम में। ये सब वो लड़की बच्चे है या वो लीडर है जो फुल डेडिकेटेड है इस मालूम करते हो। अरे मेरे एक फोन पे वो लोग हाजिर हो जाओगे, मैं 8 बजे बोलूँ टीम मीटिंग करना प्रिंसी आप प्रियंका जी चुमनी सब किसी को या मोनी को किसी को, तो वो लोग एक फोन पे मेरे साथ हाजिर हो जाते। तो मैंने जिंदगी पैसा कितना कमाया बड़ी बात है, मेरे पास लोग है जो करोड़ों रुपए से बड़ी बात है, लोग जिसके पास है जिसके पास टीम है वो तो करोड़ों कमा ही सकता है। तो ये सब कुछ हुआ स्मार्ट वैल्यू से और नेक्स्ट मेरा 2025 का जो ड्रीम है जो थाईलैंड में प्रोग्राम हो उसमें मैं कमिटमेंट करती हूँ कि किसी भी हाल में मैं लूंगी पिन पे जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि बड़ा पिन रहेगा तभी मैं आगे की सीट पे बैठ पाऊंगी वरना पीछे से बैठू मुझे कुछ दिखाई नहीं। तो ये कमिटमेंट है कि 2025 में मैं एनी हाउ अपना लूंगी पिन कम्प्लीट करूंगी, मोनी का प्लेटिनम पिन कम्प्लीट कराऊंगी, मनीषा का प्लेटिनम पिन कम्प्लीट कराऊंगी, सुशीला का गोल्ड पिन कम्प्लीट कराऊंगी और प्रिंसी है उसका भी गोल्ड पिन कम्प्लीट कराऊंगी। देखिए मेरे कुछ ऐसे कैसे लीडर है जो फुल डेडिकेटेड काम करते हैं। और कुछ और भी बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग मेरे टीम में भी है और मैं खुद देखती थी कि हाँ तो शिकार साल 2 साल पहले बात करूँ तो बहुत ही हमेशा उन्होंने ड्रेस कोड अच्छा पहना, उस समय मेरा लेवल कुछ मतलब बड़ा पिन नहीं था, मेरे पास इतना इनकम नहीं आता था, तो वो ड्रेस कोड बहुत अच्छा पहन लेता और मुझे भी लगता था, बट ये नहीं सोचती थी कि अरे मैं ही अभी पहनूंगी, मैं ये सोच रखती थी एक दिन मैं भी शिकार साल की तरह ही ड्रेस कोड पहनूंगी। तो ये बहुत लोगों के अंदर लगता है अरे मेरा सीनियर ड्रेस कोड बनता मैं भी पहनूंगी, मेरा सीनियर ये करता मैं भी, बिल्कुल आप करिए वो सोच रखिए, लेकिन उस पिन पे जाइए उतना इनकम करें जिससे आपको, अगर आपका पिन नहीं है आपका लेवल है और आप उनका कॉपी करें तो आपका बिजनेस गड्ढे में जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। सीनियर को कॉपी करिए अच्छी बात है सोच भी रखिए, बट उस पिन पे आइए तब उस चीज को कॉपी करिए। यही बोलना चाहूंगी कि मेरा सबसे बड़ा यूनिवर्सल है
देर से करिए, भलों से साथ करिए। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपकी फैमिली ही बोलेगी, आपके बाहर को कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फादर आज भी खिलाना मिल जाए किसी के, तुम शादी कर लो, बिजनेस तुम जॉब करो, स्मार्ट लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता, मेरा जब तक बड़ा फिर नहीं होगा, कोई भी इंसान एंट्री नहीं देगा कि तुम स्मार्ट लो करो। तो मेरे पापा अपनी जगह सही है, तो तू स्मार्ट लो कर, जानते नहीं कि कहाँ तक है। और कुछ लोग को ये लगता है कंपनी भाग जाएगी, लुट जाएगी। अच्छा कंपनी भाग जाएगी तो ज्यादा आपको टेंशन हो जाएगी, भाई भाई को आपको सही है। आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल स्कूल पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। अगर स्मार्ट लो गया, आप जैसे जिंदगी जीना फिर से जियोगे ना। लेकिन भाई भाई एक सेलिब्रिटी लाइफ जीते, सुमित्रा एक सेलिब्रिटी, उन्हें ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए। मैं यही सोच के स्मार्ट लो करती हूँ कि मुझे इतना टेंशन है, टेंशन उन्हें जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो इनका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है। तो बहुत लोग मेरे टीम में सोचते हैं कंपनी भाग जाएगी, हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। तो भाई मैंने अभी दिखाया, पढ़ के कुछ भी नहीं होता है, होता है बस पढ़ाई इसलिए करना जिससे हमारा नॉलेज बढ़े। लेकिन जॉब के लिए कभी स्मार्ट लो, क्योंकि मैं स्कूल में 30 साल पढ़ा के एक स्कूटी नहीं ले पाई, ना मोबाइल ले पाई। लेकिन आज दिल से स्मार्ट लो और लाइफ टाइम तक करूंगी। तो यही बोलना चाहूंगी, स्मार्ट लो दिल से करिए और पैसा से करिए। क्योंकि मैं डायरी में लिखी थी, आप लोग भी कहीं ना कहीं कॉपी डायरी में, जब भी मेरे दिल में है स्मार्ट लो छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा क्या, लोग मना कर रहे हैं क्या, तब उसको मैंने डायरी को पढ़ा कि जब स्मार्ट लो मैं कर रही करना था। मैं पापा से कितना रिक्वेस्ट की थी, प्रॉमिस की थी, पापा दीजिए मैं करूंगी और आज छोड़ दूंगी। तो जब मैं खुद पे भरोसा नहीं करती, दुनिया कैसे मुझ पे भरोसा कर लेगी। पहली बात तो ये, आपकी फैमिली से कितने सपने जुड़े हैं। आज मेरी मम्मी बोलती है, मेरी बहन क्या तुम्हें लगता है कभी हम लोग घर नहीं लेंगे दीदी? तो हम बोलते डेफिनेटली, अगर मैं कार ले सकती हूँ अपने घर के सामने खड़ी कर लूँ तो घर कौन सी बड़ी बात है, फाइव स्टार का एक करोड़ का घर है तो मैं क्या ले नहीं सकती। बोलते हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम स्मार्ट के लिए पागल हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुमको कुछ भी बोले। तो आज मेरा पूरा फैमिली जानता है कि मैं स्मार्ट हूँ, फुल पागल हूँ, कुछ भी हो जाए स्मार्ट हूँ करना है। पहले रहूंगी तो थाईलैंड में भी तहलका मचाऊंगी।